वो तो अब मुझे पता चला कि तुम्हें इस बात का। अस्सलाम वालेकुम भाज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। और आप अयान है ना? मैं हमना हूँ, सलवा की कज़न। आप यहाँ पर कैसे? भाभी के साथ आई थी। अच्छा, तो मैं आप दोनों से मिलता हूँ, जस्ट अ लिटिल बिजी। फ्री हो जाएं तो आ जाओ। वेरी सॉरी मैम, आई कैच अप विद यू गाइस लेटर, ओके? हो गया शौक पूरा? क्या हुआ? वो उन लोगों को कहीं जाना था, इसलिए चले। चलो, मैंने तो पहले ही कहा। मुझे मेरे दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम गायब हो गई। कोमा में थी मैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, दोबारा नई जिंदगी मिली है। सलवा कहाँ है वो? तुम दोनों की तो शादी होने वाली थी। वैसे भी तुम सलवा के लिए खुद को रोक तो नहीं लगा सकते ना? ठीक है, तब किस्सा ही खत्म हो गया तो फिर उस रास्ते पे जाने का कोई फायदा ही नहीं। तुम्हारी और सलवा की कहानी तो खत्म हो गई। तुम्हीं ने तो बताया कि तुम दोनों की तलाक हो गई है। मैं नहीं मानता तलाक। ये तलाक नामा पे तो तुम दोनों ने साइन कर दिया। मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अलमीर का वीजा लग जाए और वो कनाडा फ्लाई कर जाए। यहाँ भैया से मैंने ये सब करके उसे छुड़ा लिया, लेकिन आगे आगे का पता नहीं। भैया कोई भी ऐसा कदम ना उठा ले जो अनजाने में अलमीर के लिए नुकसान दे हो, और मुझे उसका इल्म भी ना हो। मुझे कुछ करना होगा। इस लड़की का बस चले ना तो पूरा बाजार खरीद के ले आए। देखो जरा क्या क्या खरीद लाइए। ए आपा, नाराज तो ना हो, मैंने ही कहा था उसे। और ये क्या हसीन लगेगा जब हमना पहनेगी तो। हैं भाई हमना? क्या बात है लड़की, मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो चुप चुप हो। अनुषे ने नहीं करने दी तुम्हें सही से शॉपिंग? हाँ क्या बात है? नहीं खाना, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़ो रिफत, लग गई होगी इसको अनुषे की कोई बात बुरी, मुंह फुलाए बैठी है खामखा। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि भाभी ने तो आज मेरे सारे शिकवे दूर कर दिए। हम लोगों ने साथ लंच भी किया और खूब शॉपिंग की। अरे तुमने वो सूट दिखाया जो सलवा के लिए लाई थी?
जी अच्छा ये देखे खाला कैसा है? अच्छा है ना? कल जाके दूंगी उसे। सलवा को बहुत पसंद आएगा भाई। अम्मी को दिखाओ। वहां बहाज और अयान से भी मुलाकात हुई, तुमने बताया नहीं? जिस तरह की मुलाकात है उसमें कुछ खास था ही नहीं जो बताया जाए। इनफैक्ट सलवा, सलवा की नन तो बहुत ही बदतमीज है, हमें देख के बाहर ही चली गई। और बहाज भाई, उसने तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, आज तो बहुत ही खड़ूस लगे। हम ना सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करो। क्या बोले जा रही हो? अम्मा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, उस दिन तो उनकी मुस्कुराहट ही नहीं खत्म हो रही थी, आज तो इतने रूड लगे कि क्या बताऊं आप लोगों को। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि मत जाओ। हो सकता है वो किसी जरूरी काम से निकले हो बाहर। कितना भी जरूरी काम हो बेटे, हमना रिश्ते में वहाज की साली लगती है, अगर बाहर मिल ही गए थे तो उसे ख्याल रखना चाहिए था। अजय देखे ना खाला, और भी चीजें लाई हुई, ये देखे कैसा है ये। अयान, अयान, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? नीचे। क्लास तो नहीं है ना? नहीं अभी नहीं है। तो चलो कैंटीन में बैठ के चाय पीते, कम आ। चलो ना, क्या हुआ? हाँ। चलो ना। चाय पियो ना, ठंडी हो जाएगी। अच्छा तुम मुझे वाकई बहुत हैरान कर रहे हो। इसमें हैरान करने वाली क्या बात है? इससे पहले भी 10 दफा तुम मेरे पैसों की चाय पी चुकी हो कैंटीन में बैठ के। याद नहीं है मेरे वॉलेट से पैसे खुद निकाल लिया करती थी? अच्छा आयान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू नो, हम इतने अरसे से दोस्त हैं एक दूसरे के, तुम मेरी फैमिली के बारे में जानती हो, सब लोगों को ही जानती हो, मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं पता। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? आई मीन आई नो तुम्हारे फादर की डेथ हो गई थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली में और कौन कौन है? तुम तो वाकई आज मुझे हैरान पे हैरान कर रहे हो। क्या अचानक तुम्हें मेरी फैमिली कहाँ से याद आ गई? हम इतने अरसे से दोस्त हैं, हमें एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में पता होना चाहिए ना? नहीं? बहुत छोटी सी फैमिली मेरी, अम्मी है, भैया है और भाभी, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, तुम अपने भाई के साथ रहती हो? सुन, जागा रही, बैठो ना। यार अलमी, मेरी ना बहुत जरूरी क्लास है और मुझे अटेंड करनी है। स्टॉप इट आया, तुम कौन सा सारी क्लासेस लेती हो, इधर उधर घूमती रहती हो, प्लीज बैठो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अलमी सीरियसली, ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। अच्छा एक काम करते हैं, तुम आज रात डिनर मेरे घर पे करो मेरे साथ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगा, तुम कराची के सारे शेफ्स को भूल जाओगी। जहां तक मुझे पता है तुम्हें कुकिंग तो बिल्कुल नहीं आती, पर ठीक है मैं आऊंगी डिनर पर। डन, जल्दी आना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ओके बाय। हेलो जी, जी मैं आपकी बात करवाती हूँ। अम्मी, अम्मी फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी जी पहचान गई मैं आपको। बस बहन, मैं सच बताऊं बहन आपको, अभी मेरे बेटे का इरादा ही नहीं है बहन की शादी करने का। ठीक कह रही हैं आप, गलती मेरी है, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं कैसी बात कर रही हैं,
आपका अपना घर है, आप जब दिल चाहे आए। लेकिन अगर रिश्ते के हवाले से कोई बात करनी है तो इसके लिए मैं आपसे एक बार फिर माजरत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। असद की अम्मी का फोन था। कितना अच्छा रिश्ता था और कितने मान से उन लोगों ने रिश्ता मांगा था, लेकिन ये वहाज और आयान पता नहीं क्या चाहते हैं। मेरा तो सोच सोच के ना दिमाग खराब होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उसी में सबकी बेहतरी हो। अम्मी आप दिल छोटा मत करें। लेकिन सलवा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है, और वहाज सब कुछ जानता है लेकिन मुझसे छुपा रहा है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कब से काम कर रही हैं, थक गई हैं। आप एक कमरे में आराम करें। ठीक है। क्या बात है अम्मी, परेशान लग रही हैं। आज के रवैये की वजह से परेशान हूँ बेटा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरी बच्ची वहां खुश भी है या नहीं। अम्मी आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैंने तो हमना को कहा भी था कि ना जाए, वो ही पागल थी जो चली गई। आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। तुम भी अपना ख्याल रखो बेटे। कैसी है तबीयत, डॉक्टर ने क्या कहा है? नहीं तबीयत ठीक है, मेडिसिन लेकर आई हूँ, वो खा रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। परेशान मत करें मैं तो तुम से रौनक के घर में जीती रहो मेरी बीच। तैयार होके इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो मामा मैं आपको बताना भूल गई, मेरी फ्रेंड की तरफ पार्टी है, तो हम सब फ्रेंड्स ना एक ही जगह इकट्ठी हो रही हैं। वेट करो, वहाँ जाता होगा, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। मामा भैया का पता नहीं होता ना, अक्सर लेट होते हैं और मुझे देर हो रही है, मैं अभी चली जाती हूँ। मैंने कहा ना वहाज का वेट करो। हाँ पर मामा वो, और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा इस तरह इतनी रात को अकेले जाना। वेट करो वहाज का। ये तो मेरी माँ के सामने इतनी पारसा बनी फिरती हूँ, अगर उन्हें पता चल जाए कि इस मासूमियत के पीछे कितना भयानक चेहरा है, धक्के देके बाहर निकालेंगी। और जो तुम करने जा रही हो ना, वो किसी की भी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए काफी है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कहाँ जा रही हो? मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरा डिनर है, बस वहीं जा रही हूँ। चलाओ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं खुद से चली जाऊंगी। पता है मैंने अपनी फ्रेंड को भी अभी पिक करना है रास्ते से। एक सेकेंड। हाँ हम ना, ठीक है मैं बस यशमा को पिक करके आ रही हूँ। ठीक है मैं बस पहुंच रही हूँ। हाँ ओके बस ठीक है। वहाज। वालेकुम सलाम बेटा, जरा आयान को उसकी दोस्त के घर छोड़ा। चली गई है वो। चली गई है? मैंने उससे कहा भी था कि तुम उसे छोड़ने के लिए जाओगे। क्या चाह रही है ये लड़की? तुम जरा पता लगाओ कौन सी इसकी ऐसी दोस्त है जिनकी शक्ल हमने आज तक नहीं देखी। अम्मा क्या हो गया आपको, आप क्यों छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती हो?
और वैसे भी आयान अब बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो गई है। मैंने उससे कहा भी था कि जल्दी वापस आ जाना, तो कह रही थी कि आ जाऊंगी। आप एक काम कीजिए ना, मुझे खाना गर्म कर दें, बहुत भूख लग रही है, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ। वैसे वो ये सब कुछ ना तुम्हारी शय पे कर रही है, बहुत बिगाड़ दिया तुमने उसे। अम्मा जाए ना जाए, जाए जल्दी जाए, खाना गर्म करके दें जल्दी। अब इसकी क्या जरूरत है? तुमने पहली बार खुद से इनवाइट किया मुझे अपने घर, ये तो लाना बनता था। थैंक यू। क्या है इसमें? बाद में चेक करूंगा। प्लीज हैव अ सीट। मैं खाना लगाता हूँ तुम्हारे लिए। ये भी तुमने खुद बनाया? Of course, मुझे पता था कि तुम्हें और मुझे चाइनीज पसंद है, तो इसलिए चाइनीज बनाया। सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहां से शुरू करूं ये भी समझ में नहीं आ रहा। Let me taste. बहुत मजे का, बहुत अच्छा। पास कर दिया मैंने तुम्हें कुकिंग में। शुक्र है तुम्हें पसंद आ गया, वरना मुझे लग रहा था कि तुम बीबी वाले नखरे करोगी। सीरियसली स्पीकिंग यार, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा अपनी बीवियों की कंप्लेन करते रहते हैं कि उनको कुछ पसंद ही नहीं आता है, लेकिन एंड में खाती वही है जो पसंद नहीं आ रहा होता। तुम और लो ना, ये निकालो, ये निकालो। चलो करके दो। श्योर। तुम लो ना कुछ। मुझे साफ करके दो। तुमने बताया नहीं तुम्हारे भाई क्या करते हैं? अरे क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट। फाइन। थोड़ा स्पाइसी है पर मजे का। सॉरी यार। तो क्या बात कर रहे थे हम? अनमीत क्या हो गया तुम्हें? अचानक से मेरी फैमिली में इतना इंटरेस्ट कब से हो गया तुम्हारा? मेरे जो भैया है ना दुबई में होते हैं, उनका बिजनेस वहीं पर है, और बहुत जल्द वो भाभी और मामा को भी अपने पास बुला लेंगे। और कुछ? तुम भी तो खाओ ना। ना मैं खाता हूँ। एक बात है वैसे अम्मा, दिन ब दिन आपके हाथ का जायका बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज ये सब खाना सलवा ने बनाया, बहुत जायका है बहू के हाथ में। राइस। वहाज, तुम बेटा अयान से बात करना, उसका इतनी रात तक बाहर रहना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वापस रख दो, और खाने के बाद अगर एक कप चाय बना के दे दूंगी तो मजा दोबाला हो जाएगा। अरे बेटा तुम बैठो, आज चाय मैं बनाती हूँ। नहीं अम्मी मैं बना लेती हूँ, आप लेंगी? नहीं, मैं अगर चाय पी लूंगी तो फिर रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। अब तो आपकी बहू मेरी शिकायत नहीं लगाती ना आपको? उसने पहले भी तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की थी, बहुत अच्छी बच्ची है, कदर करो इसकी। वही करने की तो कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप बताएं आप क्या कह रही थी अभी, मैंने सुना नहीं। बेटा मैं तुमसे अयान के बारे में बात कर रही थी, असद की अम्मी का फोन आया था, मैंने तो उन्हें सब कुछ साफ बता दिया। पता है फिर भी वो बेचारी कह रही थी कि अगर कोई बात है तो हमें बताएं। मैं उन्हें क्या बताती? ठीक किया आपने, मुझे लगता है आपको मना ही कर देना चाहिए। जब हमने वहां रिश्ता तय ही नहीं करना तो उन्हें आसरा देने का क्या फायदा? लेकिन वहाज मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इस रिश्ते के लिए तो तुमने खुद कहा था ना, तो फिर मना क्यों कर रहे?
जब वक्त आएगा मैं आपको सब कुछ खुद बता दूंगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आयान किस हद तक जा सकती है सिर्फ मैं ही जानता। क्या हुआ आलमीर, तुम तो बिल्कुल ही चुप हो गए हो। कुछ नहीं, बस थक गया हूँ शायद। आलमीर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन अभी शायद सही वक्त नहीं है। सही वक्त क्यों नहीं है? कैसी बातें बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। बहुत सी बातें अमीर, लेकिन अभी शायद मुनासिब वक्त नहीं। वैसे भी बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। अरे कहाँ जा रही हो? बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम रहती कहाँ हो? I'm really sorry यार, हमारी दोस्ती को इतना अरसा हो गया और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ रहती हो। कहाँ रहती हो तुम? गाड़ी लेकर आई हूँ मैं, चली जाऊंगी खुद से। नहीं, मैं क्या कह रहा था, रात बहुत हो गई है ना, तो तू अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ जाओ, मेरा ड्राइवर कल सुबह तुम्हारे घर पहुँचा देगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे रात में ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहुँच के कॉल कर दूंगी तुम्हें। चलती हूँ, बाय। खाना बहुत मजे का था। अब बताना नेक्स्ट टाइम चाइनीज खाने कब आऊं। तो इसका मतलब है कि मेरा शक ठीक है। आयान बहुत कुछ जानती है मगर छुपा रही है। उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आयान ये सब क्यों कर रही है, उसका मकसद क्या है आखिर, और इंस्पेक्टर वहाज के साथ उसका क्या रिश्ता है। तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझे बाहर मिल गई। वैसे भी मैं तुम्हारे पास ही आई थी, क्योंकि ये बात मुझे सिर्फ तुम्हें बतानी थी। पूछोगी नहीं मैं कहाँ थी? थोड़ा थोड़ा तो गेस कर ही लिया होगा, है ना? चलो ठीक है, मैं खुद बता देती हूँ। अरमीर के साथ थी, और वो भी उसके घर पर। अरे मेरी बात भी पूरी कहां हुई है, पहले सुन तो लो। अलमीर ने आज मेरे लिए दिन बहुत स्पेशल बना दिया। उसने आज सिर्फ अपनी और मेरी बातें की, एंड आई प्रॉमिस तुम उन बातों में दूर दूर तक नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। उसने मेरे लिए अपने हाथों से खाना भी बनाया, इतना मजे का था। चाइनीज सूप था, फ्राइड राइस थे, मंचूरियन, आई डोंट नो व्हाट नॉट। वो कहते हैं चाइनीज उसका फेवरेट है, और उसने अपना फेवरेट डिनर मेरे लिए अरेंज किया था। चाइनीज उसका फेवरेट नहीं है, उसको चाइनीज बिल्कुल नहीं पसंद। बल्कि वो तो ये भी अच्छी तरह जानता है कि चाइनीज मुझे भी नहीं पसंद। इसका फेवरेट खाना इटालियन फूड है। मैंने आपको इसलिए जहमत दी है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है। मैं चाहता हूं कि हम इस मामले की तह तक जाएं। वो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगना मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है। आई अंडरस्टैंड प्रिंसिपल साहब, मुझे इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। मैं आपके उस स्टूडेंट से मिलना चाहता हूँ। मैं अभी बुला लेता हूँ उससे। बेटा आलमीर को अंदर भेज। वैसे किसी भी इदारे की रेपुटेशन से ज्यादा अजीज
उसका अपने स्टूडेंट पर एतमाद होता है। मुझे खुशी हुई कि आपने इस मसले को सियासत की नजर नहीं होने दिया। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और तहकीकात करेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। हाँ बैठो। इनसे मिले। इंस्पेक्टर जहाज़ेब, स्पेशल क्राइम ब्रांच। अलमीर मुराद। आई थिंक ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है। अच्छा, आई डोंट नो, मैं तो आज पहली दफा मिल रहा हूँ आपसे। मेरी मुलाकात नहीं हुई आपसे। हो सकता है। अलमीर, ये ड्रग केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आए हुए हैं। दे नीड योर हेल्प और मुझे उम्मीद है कि तुम उनसे पूरा तआवुन करोगे और हेल्प करोगे इनकी। ये उस ग्रुप को जानते हैं जिन्होंने तुम्हें इस केस में फंसाने की कोशिश की है। अभी क्या पका रही है खाला? ऐसे ही, कुछ ज्यादा नहीं। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? सलवा की तरफ जा रही हूँ, उसके लिए जो सूट लिया था वही देने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। क्या बता रही थी तुम बेटा कल? क्या हुआ था फिर से बताना जरा मुझे। वहाज ने बदतमीजी से बात की थी तुमसे? अरे नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो वैसे ही कह दिया था। आप प्लीज दिल पे नहीं ले, आपको तो पता है मेरी आदत का। अम्मा भी परेशान रहती है मेरी इस आदत से। वो अयान थी ना वहाँ, उसकी बहन, उसने कुछ कहा था? हाँ खाला, वो मुझे बड़ी अजीब सी लगी, काफी रूठ सी थी। हमारी सलवा से उसकी कैसे दोस्ती हो गई? हमारी सलवा की तो बहुत अच्छी आदत है। सलवा से काफी मुख्तलिफ थी वो, पर दोस्ती बहुत थी दोनों में। बीमार भी रही है पिछले दिनों, बहुत ज्यादा बेचारी। क्या कहा था तुमने, क्यों जा रही हो? वो मैं इसलिए जा रही थी कि इस वक्त उसके घर में कोई भी नहीं होता, तो हम लोग बैठ के आराम से बातें करेंगे। सलवा तो बिल्कुल ही पराई हो गई है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। अच्छा चलो जाओ, बस ध्यान से बेटा, कोई ऊंची नीची बात ना हो। जाओ जाओ, आप फिक्र नहीं करें, मैं आती हूँ। आपको मुझसे कैसी हेल्प चाहिए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज हमारी पहली मुलाकात है, मैं इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला। खैर, मैं अपनी सुलझन को बहुत जल्दी सुलझा लूंगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस लड़के को कैसे जानते हो जिसने तुम पर इल्जाम लगाया था? ठीक से नहीं जानता, ही वॉज जस्ट अ क्लासमेट, हमारी कोई दोस्ती वगैरह भी नहीं थी। क्या लगता है तुम्हें उसने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? अगर मैं इसे सच बताता हूँ, जो कि थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो फिर इस मामले में अयान का नाम आने का भी खदशा है। जब से अयान को वहाज के साथ देखा है, मैं खुद इस उलझन को नहीं सुलझा पा रहा हूँ। कुछ भी है, अयान मेरी दोस्त है। हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो। नहीं, मैं इंस्पेक्टर जहाज़ेब को ये बात नहीं बताऊंगा। क्या सोच रहे? Nothing, कुछ नहीं, वैसे ही। मुझे लगता है कि कोई बात है जिसकी वजह से तुम उलझन में हो। It's okay, just take your time. चाहो तो बाद में बता सकते हो मुझे। फिर मिलते हैं और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। और हाँ, तब तक तुम भी अच्छी तरह से सोच लेना कि तुम्हें मुझे कौन सी बात बतानी चाहिए और कौन सी नहीं। और हाँ, ये मेरा कार्ड, अगर कोई बात मुझे बताना चाहो तो कॉल कर सकते हो। नाइस मीटिंग।
वैसे बहुत ही बदतमीज किस्म की नंद है तुम्हारी। सूट कैसा लगा? मेरी चॉइस है। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। कहा तुमने मेरी नंद के बारे में? तुम कब मिली उसे? रेस्टोरेंट में देखा था कल, तुम्हारे हस्बैंड भी साथ थे। हाँ देखा होगा, बोनी के साथ गई थी। तुम्हारी मुलाकात हुई? अनुषी भाभी तो मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा वहां पर बुरा ना माने। वैसे सलवा बुरा नहीं मानना, वो तो वहां ऐसे बन गए थे जैसे मुझे जानते ही ना हो। दावत वाले दिन देखा था, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनसे ज्यादा खुश मिजाज कोई इंसान ही ना हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है, वहां जैसे नहीं है वो। सलवा सब ठीक है ना? तुम चाय पियोगी? मैं दोबारा तो जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो। ऐसा तुम्हारी नंद भी ना कोई मिस्ट्री टाइप शख्सियत लगती है, वहां से उठकर ही चले गई। एटिकेट भी कोई चीज होती है। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अलमीर, मीर यार पूरी यूनिट ढूंढ ली, तुम कहाँ गायब हो गए? क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में था। और तुम कल रात खैरियत से घर चली गई थी, तुमने कॉल बैक तक नहीं की मुझे। सो सॉरी, मैं कॉल करना भूल गई। मैं जबकि तुम भूलने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं। क्या इरादा है फिर? क्या मतलब? तुमसे कहा था ना तुम्हारी फैमिली से मिलना है मुझे, कब मिलवा रही है? ओफो, मिलवा दूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे भाई जैसे ही आए बल्कि तुम्हारा डिनर रखूंगी मैं, और डिनर में चाइनीज में बिल्कुल नहीं रखूंगी। चाइनीज तुम्हें नहीं पसंद है ना? तुम्हें कैसे पता? जैसे मुझे ये पता चला है कि तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक नहीं ब्लू है। आओ यार, बहुत भूख लगी है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो, मुझे पता तुमने भी रात से कुछ नहीं खाया होगा। कमॉन यार, मुझे ना आज बर्गर खाना है। कोशिश किया करो तुम्हारा मुझसे सामना कम। पता, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना मेरा खून खोलने लगता है। ऐसे लगता है जैसे तुम एक और बार भी मेरे सामने आई ना तुम्हारा मुंह नोच दूँ। और मेरा दिल पता है क्या चाहता है यार? मेरा दिल चाहता है कि मैं वक्त का पहिया पीछे घूमा और अपनी जिंदगी से उस दिन को ही निकाल दूँ जिस दिन हमारी दोस्ती की इब्तिदा हुई। काश वो दिन मेरी जिंदगी में आए ही ना होता। तुम देखो और देखती रहना, मैं जब तुम्हारे साथ करने वाली हूँ तो भुला नहीं सकूंगी। वक्त बहुत कम रह गया और देखना बहुत मजा आने वाला है। ये सलवा नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? सलवा सलवा सलवा, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? जहाँ देखो सलवा, जहाँ देखो सलवा, इनके पीछे पर टल क्यों नहीं जाती? आयान, होश में है तुम? ये क्या बकवास कर रही हो? जब इस घर में आई है ना, आपके मुंह पे भी सिर्फ सलवा का नाम है। मैं तो आपको कहीं नजर ही नहीं आती। मैंने पूरी कोशिश की थी तुम्हारी यादों से दामन छुड़ाने की, लेकिन मैं क्या करूं सर? मैं जितनी शिद्दत से तुम्हें भुलाने की कोशिश करता हूं, तुम उतनी ही शिद्दत से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो। आयान कहती है कि तुम बहुत दूर हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मुझे आज भी तुम्हारी खुशबू यही आसपास महसूस होती है। मुझे लगता है कि तुम यही हो,
मेरे बहुत करीब। तुम्हारे ख्याल की ताकत इतनी मजबूत है कि मुझे लगते हैं तुम मुझसे जुदा हो चुकी हो। तुम तो हमेशा यही होती हो, मेरे करीब, मेरे साथ साथ। अलमीर, मैंने कितनी दफा कहा है मुझे फोन मत किया करो, किसी को भी पता चल गया आई स्वेयर कयामत आ जाएगी। सलवा, तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, मैं परेशान हो गया था इसलिए कॉल कर रहा हूँ यार। तो मैं एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी तो तुम मुझे फोन करने लग जाओगे? अच्छा सॉरी, वो बस मुझसे रहा नहीं गया। तुम बताओ मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? तुम सामने होती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे मैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा रोमांटिक बातें मत करो, मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा लिसन, फोन नहीं रखो, ये तो बताओ कल आओगी या नहीं? हाँ बाबा आऊंगी, लेकिन सुनो, जिस तरीके से तुम बिहेव करते हो ना, ऐसे मत करो, किसी को भी शक हो जाएगा, खासतौर पे आयान को। यार एक तो मैं तुम्हारी ये बात मानकर पछता रहा हूँ। कौन सी बात? यही आयान को ना बताने वाली बात। हमारी दोस्त है, एटलीस्ट हमें उसको बता देना चाहिए था, दोस्ती का हक ही अदा कर देती वो। हाँ हाँ पता है, दोस्त है हमारी, लेकिन तुम्हें भी तो उसका पता है, उसको पता चल गया तो यूनिवर्सिटी के छपे छपे पर ना हमारी मोहब्बत का इश्तेहार लगा देगी। और मैं नहीं चाहती कि ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को पता चले। अच्छा ये आयान कहाँ से आ गया हमारे दरमियान, हम अपनी बातें कर लें। अलमीर